आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर आ रही है। चलिए ठीक है। देखिए टाइप फोर्थ में एफ वन एक्स पी इक्वल टू एफ टू एक्स क्यू वाई क्यू इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट के। आपको जो टाइम गिवन होगा वो इस टाइप से इक्वेशन गिवन होगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि x, y, p एंड q फॉर्म की कोई भी इक्वेशन होगी, f, x, y, p एंड q इक्वल्स टू जीरो, ये टाइप की इक्वेशन होगी। इस टाइप की इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया जाएगा f1 xp इक्वल टू f2 yq और इसको मान लिया जाएगा इक्वल टू k, किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लिया जाएगा। क्लियर हो रहा है? गुड मॉर्निंग जी। अब क्या करते हैं हम इस इक्वेशन को जो ये फर्स्ट है सॉल्व फॉर पी एंड क्यू, क्यू एंड पी के लिए इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। पी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एच मिल जाएगी, क्यू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई मिल जाएगी एंड देन डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। इस फॉर्मूले में पुट करते हैं पी एंड क्यू की वैल्यू और उसको फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो टाइप फोर्थ में ये वो इक्वेशन है जहां पर जेड अब्सेंट है, एक्स वाई पी एंड क्यू गिवन है, जेड अब्सेंट है। तो यहाँ पर दो टाइप बनेंगे, या तो जेड अब्सेंट होगा और अगर जेड प्रेजेंट है तो उसको कैसे किया जाएगा वो बताएंगे आप। तो जैसे कि इस पर क्वेश्चन है जेड पी माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू प्लस वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन आपको गिवन है। तो लेट पी माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, ये कांस्टेंट सपोज किया एंड फ्रॉम देयर देखिए पी माइनस एक्स स्क्वायर को जब ए के इक्वल लेंगे तो यहाँ से पी की वैल्यू ए प्लस एक्स स्क्वायर, और जब ये इक्वेशन ए के इक्वल लेंगे तो यहाँ से क्यू की वैल्यू मिलेगी ए माइनस वाई स्क्वायर। एंड नाउ सो डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। तो डी जेड इक्वल टू पी की वैल्यू है ए प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड क्यू की वैल्यू है ए माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। इसको इंटीग्रेट किया जाए जेड इक्वल्स टू ए एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस ए वाई माइनस वाई क्यूब बाई थ्री प्लस अ कॉन्स्टेंट सी। तो ये सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। ए कॉमन ले लिया जाए, एक्स प्लस वाई वन बाई थ्री कॉमन ले लिया जाए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस ए कॉन्स्टेंट सी। ये रिजल्ट हो गया इसका।
आंसर। अब देखिए ये तो फर्स्ट टाइम क्वेश्चन है जहां पर जेड अब्सेंट है, अगर जेड प्रेजेंट हो जाए तो कैसे किया जाएगा देखिएगा। इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रल करने के बाद ही सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर इनटू एक्स प्लस वाई। अब यहां इस क्वेश्चन में क्या है कि जेड भी इन्वॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो देखिए अब इसको कैसे किया जाए, पी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और देखिए पी स्क्वायर क्या होता है, डेल जेड बाई डेल एक्स, और ये वन अपॉन जेड स्क्वायर, क्योंकि p का स्क्वायर है इसलिए डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर हो गया। ऐसे ही यहाँ पर वन अपॉन जेड स्क्वायर डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यू कैन राइट इट डेल जेड बाई डेल एक्स एंड वन अपॉन जेड होल स्क्वायर, वन अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एंड अब देखिए डेल जेड अपॉन जेड, डेल जेड अपॉन जेड, लेट डेल जेड अपॉन जेड को डेल कैपिटल जेड मान लिया जाए, तो इसका इसका जो इंटीग्रल होगा वन अपॉन जेड डेल जेड का इंटीग्रेशन लॉग जेड इक्वल टू कैपिटल जेड। तो ये कैपिटल जेड की वैल्यू मिल गई लॉग जेड, लास्ट में जब आंसर आएगा तो वहां पर कैपिटल जेड की फॉर्म में होगा, उसको सॉल्व कर लिया जाएगा और वहां पर कैपिटल जेड की जगह पर क्या करेंगे लॉग जेड पुट कर लेंगे। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट है और सेकंड, फ्रॉम सेकंड डेल जेड बाय इसको कैपिटल पी ले लिया जाए, क्योंकि ये वैल्यू आपने क्या सपोज की, देखिए डेल कैपिटल जेड सपोज किया आपने इसको अपॉन डेल एक्स है, ऐसे ही यहां पर डेल कैपिटल जेड अपॉन डेल वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो दिस इज कैपिटल पी स्क्वायर एंड कैपिटल क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो पी स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू वाई माइनस क्यू स्क्वायर, एक्स वाली टर्म पी की साइड में किया और वाई की साइड में। लाइट पड़ रही है बोर्ड पर, अब देखो अब तो नहीं आ रही है लाइट, जो लाइट है आपकी वो कम हो रखी होगी मोबाइल की, लाइट के मोबाइल कम हो रखी होगी। बिल्कुल सही आ रहा है,
चलिए ओके, पी स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू वाई माइनस क्यू स्क्वायर, और इसको सपोज कर लिया जाए कि ये सेम वही इक्वेशन बन गई उस टाइप से, इक्वल टू ए सपोज कर लिया गया। अब इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? सो द सॉल्यूशन इज गिवन बाय डी कैपिटल जेड इक्वल टू कैपिटल पी डी एक्स कैपिटल क्यू डी वाई। वैल्यू रखते हैं यहाँ पर पी की वैल्यू, पी की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से देखिए, पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एक्स, सो पी की वैल्यू मिलती है रूट ए प्लस एक्स। ऐसे ही यहाँ से क्यू की वैल्यू देखिए क्या होगी, क्यू स्क्वायर वाई माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए, सो क्यू स्क्वायर इक्वल टू है भाई। अब देखो इसमें मैं कुछ यहाँ सामने मुझे तो बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, या आपके मोबाइल की कमी हो गई फिर? अब आप कैसा दिख रहा है? अब दिख रहा है सही? यस सर। चलिएगा खैर, पी की वैल्यू रखिए रूट ए प्लस एक्स डी एक्स। या आप जो मैं बोल रहा हूँ वो कंटेंट समझे, बाकी वीडियो आपको डल जाएगी उसमें देखना फिर। क्योंकि ये तो इंस्ट्रूमेंट है, अब इसमें क्या कर सकते हैं हम। सर सही कह रहे हैं आप, आपकी कोई दिक्कत सर आपकी कोई गलती नहीं, आप सही पढ़ा रहे, लेकिन जब सबका कोई कहीं है सर, वो किसी के सही मिल नहीं रहे। हाँ ये अलग अलग मोबाइल की वो होगी मिस्टेक। यस सर। चलेगा इंटीग्रेट करें जेड इक्वल्स टू a प्लस एक्स टू दी पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 प्लस y माइनस a टू दी पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 और प्लस ए कॉन्स्टेंट c। कैपिटल z की जो वैल्यू है वो क्या है, log z 2 बाई 3 a प्लस एक्स टू दी पावर 3 बाई 2 प्लस 2 बाई 3 वाई माइनस ए टू दी पावर 3 वाई प्लस ए कॉन्स्टेंट सी, और ये इसका रिजल्ट हो गया। तो ये सेकेंड क्वेश्चन था जब इक्वेशन के अंदर जेड इन्वॉल्व था, जेड का इन्वॉल्वमेंट जब हो जाए तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। जेड वाली टर्म को डेल जेड साइड में किया जाएगा, और जो टर्म डेल जेड बाई वन बाई जेड डेल जेड है उसको कैपिटल डेल जेड मान दिया जाएगा, और उसको इंटीग्रेट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, लॉग जेड। तो इसको कैपिटल में कन्वर्ट कर लिया जाता है, इंटीग्रेट कर देंगे ताकि लास्ट में इसकी वैल्यू हम पुट कर सकें। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो हमारे पास
नेक्स्ट मेथड आता है ये है अब चार पीस मेथड। क्लियर चार पीस मेथड है ये। मेथड नंबर है 5। तो चार पीट मेथड में जो इक्वेशन होगी वो एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू जीरो। इस टाइप की मेथड अपने नाम से आएगा पेपर में भी। हाँ जी इक्वेशन आएगी उसको वहां पर बोला जाएगा कि चार पीट मेथड से सॉल्व कीजिए। इससे पहले जो चार मेथड दिए गए उसमें मेथड का नाम नहीं आएगा, वहां पर तो सॉल्व आएगा सिर्फ के सोल्व द नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दो टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताई। पहले नंबर पर हम चल रहे थे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर थी, और सेकंड नंबर की थी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिनका सोल्यूशन चल रहा है, जिसमें मेथड नंबर 5 पर है हम। इससे पहले जो चार मेथड हैं वहाँ पर आपको कोई नाम नहीं दिया जाएगा, बिना नाम के होंगी, आपको सिर्फ उनको सॉल्व करना है। उनके टाइप होते हैं, मैं हर एक टाइप में आपको बताकर चला था कि फर्स्ट टाइप में क्या है, सेकंड टाइप में क्या है, थर्ड टाइप किस टाइप से आएगा और फोर्थ टाइप क्या होगा। फिफ्थ टाइप में वो नाम देगा अगर कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर जो है उसको अगर किसी दूसरे मेथड से सॉल्व करना है उन पहले चार मेथड के अलावा, तो वो होगा चार पीट मेथड। तो नाम आएगा तो जब चार पीट मेथड होगा तो इसी मेथड से करना होगा। तो ये मेथड क्या है, ये थोड़ा सा लेंथी है, इसके लिए एक फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। देखिए यहाँ जो हमारे पास है इसका सॉल्यूशन तो उसी फॉर्मूले से आता है, जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, मेथड वही रहेगा। बट इसके लिए हमें P और Q की वैल्यू चाहिए। तो P और Q की वैल्यू फाइंड करने के लिए चार पीट ने अपनी एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई है। तो वो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है ये देखिएगा, dx अपॉन डेल z बाय डेल P, ऐसे dy अपॉन डेल z अपॉन डेल q एंड इक्वल टू ये dy। नेक्स्ट dz अपॉन माइनस p डेल z बाय डेल x डेल p एंड माइनस q डेल z बाय dp upon del z del f upon del x and plus p del f upon del z and dq upon del f upon del y plus q del f upon del z and equal to d phi upon 0। तो ये है हमारे पास नेक्स्ट। अब इसमें देखिएगा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है यहां पर
पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू। तो एक बार समझ लीजिएगा, ये फंक्शन आपको गिवन होगा एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू जीरो। अब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है एफ को विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड पी एंड क्यू की रिस्पेक्ट, और वो वैल्यू आप यहां पर पुट करेंगे। सॉरी, ये जेड लिख दिया, यहां पर एफ है, डेल एफ अपॉन डेल पी एंड डेल एफ अपॉन डेल क्यू, ये एफ है। फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाए, राइट। तो ये इक्वेशन होगी जिससे आपको P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ताकि यहाँ पर सॉल्यूशन का आप पुट कर सके। तो काफ़ी ये लंबी इक्वेशन है जिसको आपने लर्न करना होगा, मजबूरी है लर्न करना, तो इसको लर्न कर लीजिएगा जिससे कि आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकें। जैसे अब ये क्वेश्चन हमारे पास आया, इसको हम एक फंक्शन की फॉर्म में लिख लिया जाएगा, लेट एफ इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू, सबको वन साइड कर लीजिए, इक्वल्स टू जीरो। तो इसको डिफरेंशिएट करें, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली करेंगे तो एक्स के अलावा बाकी सभी कांस्टेंट हो जाएंगे, तो ये बनता है पी, और कहीं एक्स नहीं आया। ऐसी डेल एफ अपॉन डेल वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ओनली क्यू, डेल एफ अपॉन डेल जेड, और जेड यहाँ पर नहीं है तो जीरो, डेल एफ अपॉन डेल पी विद रिस्पेक्ट टू पी जब हम करते हैं तो एक्स यहाँ से बचता है, बाकी माइनस क्यू, डेल एफ अपॉन डेल क्यू विद रिस्पेक्ट टू क्यू किया जाए तो ये जीरो हो जाएगा, वाई माइनस पी। तो वन टू थ्री फोर फाइव पार्शियल डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है। आफ्टर दैट अब आपने क्या करना है, डी एक्स ये वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे टोटल सभी वैल्यूज, तो डी एक्स अपॉन, हाँ भाई यस दिखाई दे रहा है ना, तो डी एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल पी, डेल एफ अपॉन डेल पी कहां पर है, ये एक्स माइनस क्यू, डी वाई अपॉन डेल एफ अपॉन डेल क्यू, डेल एफ अपॉन डेल क्यू दिस इज वाई माइनस पी, एंड डी जेड अपॉन माइनस पी एज इट इज इंटू डेल एफ अपॉन डेल पी एक्स माइनस पी माइनस क्यू, डेल एफ अपॉन डेल क्यू, डेल एफ अपॉन एक्स माइनस क्यू आएगा, है भाई एक्स माइनस एक्स माइनस क्यू, सॉरी डेल एफ अपॉन डेल पी एक्स माइनस, हाँ राइट, एंड क्यू इनटू कितना है, डेल एफ अपॉन डेल क्यू y माइनस पी इक्वल टू डी पी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स दिस इज पी, एंड डी क्यू अपॉन, क्योंकि बाकी तो डेल एफ अपॉन डेल जेड तो जीरो है ना, इसलिए डेल एफ अपॉन डेल वाई क्यू और डेल एफ अपॉन डेल जेड की वैल्यू जीरो है इक्वल टू डी फाई अपॉन जीरो। तो हमारे पास ये जो दो टर्म है, अगर इन दोनों टर्म को लेकर सॉल्व किया जाए, टेकिंग डी पी अपॉन पी इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू, और इसको इंटीग्रेट किया जाए, इंटीग्रेटिंग तो इसका log p इक्वल टू log ऑफ q, log q और प्लस ए log कांस्टेंट ले लीजिएगा c, तो p की वैल्यू क्या मिलती है, c q मिल जाती है।
टी की वैल्यू सी क्यू। अब इक्वेशन जो आपको गिवन होती है ये फर्स्ट इक्वेशन और ये मिल गई आपको सेकंड इक्वेशन, तो यहां इन दोनों को सॉल्व कीजिए। P की वैल्यू C Q की फॉर्म में मिल गई, P की वैल्यू अब आप ये यहां पुट कर लीजिए तो Q की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यूजिंग इन फर्स्ट, फर्स्ट में यूज करते हैं P की वैल्यू C Q रख दीजिए, C Q X प्लस Q Y इक्वल टू P Q, पी क्यू तो क्या है यहाँ पर सी क्यू का स्क्वायर हो जाए। अब इससे आप क्यू देखिए, एक क्यू थ्रू आउट कॉमन ले कैंसिल हो गया तो सी एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना बचता है सी क्यू, राइट। ओके हो गया, तो यहाँ सी क्यू की वैल्यू मिल गई आपको और यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या बनती है वन बाई सी सी एक्स प्लस वाई। ओके तो ये क्यू की वैल्यू है, तो पी की वैल्यू क्या बनती है, ये वैल्यू जब आप यहाँ पुट करेंगे तो सी कैंसिल हो जाएगा तो ये बने सी एक्स प्लस वाई, P और Q दोनों वैल्यू मिल गई। अब कौन सी इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, जहां पर आपने इसको इंटीग्रेट करना है। इसके लिए सॉल्यूशन हमने बताया था कि दिस सॉल्यूशन इज गिवन बाय z इक्वल टू pdx प्लस q dy, तो यहां वैल्यू पुट करते हैं। अब देखिए तो ये यहां तक आप सब नोट कर ही चुके हैं, अब इसके बाद लिखेंगे सिंस z इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, तो z इक्वल टू p की वैल्यू देखिएगा क्या थी सी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स, एंड जो q की वैल्यू है वन बाय सी सी एक्स प्लस वाई डी वाई। आप देख रहे हैं कि कॉमन क्या है सी एक्स प्लस वाई कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ब्रैकेट में देखिएगा डी एक्स प्लस वन बाय सी डी वाई और सी एलसीएम ले लीजिएगा तो वन अपॉन सी हो जाएगा थ्रू आउट, तो ये वन बाय सी आप बाहर रख सकते हैं सी एक्स प्लस वाई एंड ब्रैकेट में हो जाएगा सी डी एक्स प्लस डी वाई, दिस इज इक्वल्स टू जेड, ये डी जेड दिखता है। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेशन में ये तो जेड हो जाएगा और इधर वन बाई सी इंटीग्रेशन सी एक्स प्लस वाई सी डी एक्स प्लस डी वाई। अब ये एक तरह से dx हो गया इस टोटल के लिए, जैसे देखिएगा t इक्वल टू सी एक्स प्लस वाई, तो dt अगर आप करते हो तो c dx प्लस डी वाई, तो ये तो dt दिस इज t एंड दिस वन इज dt, तो t स्क्वायर बाय टू एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट सी वन, इस कॉन्स्टेंट को आप ए भी ले सकते हैं जब स्टार्टिंग में मान लिया था, क्योंकि यहां भी कॉन्स्टेंट यूज होना है, तो जेड इक्वल टू वन बाई टू सी टी की वैल्यू रखते हैं सी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर
एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट सी वन। तो ये है इसका सॉल्यूशन। तो चार बीट मेथड में आपको इसके एक दो क्वेश्चन और कराएंगे। तो अभी तो मीटिंग का समय जो है वो खराब हो रहा है। हाँ शालू बोलिए, शालू।